अगर मैं कहूँ आज का हमारा फेशियल हाइड्रा फेशियल से बेटर है, क्या कहोगे? जी हाँ, मैं बस अभी नहा कर आई हूँ, मैंने वस्त्र धारण किए और मात्र चार चीजें ऐड करी हैं, 1, 2, 3 and 4, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आई एम सुपर हैप्पी। मेरी स्माइल का रीज़न आज की वीडियो है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर ट्रू सेंस में आप फेस्टिव फेशियल कहना चाहते हैं ना, तो बस यही है आज के वीडियो में मैजिक होने वाला है, जो अगर आपने ट्राई कर लिया तो आई चैलेंज एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस वीडियो, और जो नहीं है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो भी इस चैलेंज को ले सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू विटनेस नथिंग बट मैजिक। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं व्हाट एंड हाउ इट इज टू बी डन। To my wonderful people present over here, welcome back to the channel. आशा करती हूँ मेरा परिवार बहुत खुश है, festivities enjoy कर रहा है और बहुत 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 positive है। मैं तो बहुत positive हूँ क्योंकि आज का जो results आए हैं ना, I was like कि आप लोग कितने खुश होंगे, बस ये सोच सोच के ना मेरी खुशी double, triple बहुत सारी होती जा रही है। So please do give it a try. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन पर ग्लो आने के लिए, आप स्ट्रेस ना लें, आप खुश रहें, आप बहुत सारा पानी पीते रहें। बहुत सारे का मतलब जब प्यास लगे तब सुनिए अपनी बॉडी को और तब पानी पीजिए। किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा खाना खाइए, अगर डेफिशिएंसी है इफ एट ऑल मेटाबॉलिज्म के चलते या एनीथिंग, तो सप्लीमेंट्स लीजिए। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अगर आप कोई ऐसे जन है जो कि सप्लीमेंट्स के बारे में ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, मैं एक विकल्प अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आई हूँ। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन अब ये फॉर्मुलेशन इम्प्रोवाइज हो चुका है, बेटर ऑफ हो चुका है, इसके इंग्रीडियंट्स थोड़े से अपलिफ्ट हो चुके हैं, एंड दैट इज कपीवा स्किन फूड ग्लो मिक्स। जी हाँ, इसकी टैगलाइन है #skin स्किन का सही फूड, एंड आई कैन नॉट अग्री मोर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप किसी चीज़ को जज करना चाहते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे व्हाट, यही सब तो हम खाना चाहते थे। जी हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स में है सबसे पहले रोज़, जो कि आपकी स्किन में कोलाजन बूस्ट करता है, आपकी स्किन को फर्मर बनाता है, जिसके लिए हम इतनी सारी रेमेडीज करते हैं। इसके अंदर है पोमोग्रेनेट, जी हाँ वही अनार जो आपकी मम्मा बोलती है लेकर आइए और बार बार लाना भूल जाते हैं। ये आपकी स्किन में नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि आप इतना एक्सपेंसिव लेके ऊपर से अपनी स्किन पर लगाते हैं। तो प्लीज़ इसको अगर आप देखेंगे ना कि पोमोग्रेनेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्लीज़ गो एंड रीड मोर अबाउट इट। इसके अंदर है शतावरी, जो कि आपकी स्किन में ग्लूटाथायन को प्रोड्यूस करता है, जी हाँ वही जो ट्यूबलाइट जल जाती है ना आपके चेहरे पर अंदर से, वो ग्लूटाथायन करता है, जो कि शतावरी से मिलता है, जिसको एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आपको ईजिली इस ग्लो मिक्स में मिल रहा है, तो यू मस्ट ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। अनदर इज मुलेठी, आप सभी जानते हैं मुलेठी क्या करता है। मुलेठी आपकी स्किन पर किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को क्योर करता है, कितनी सारी रेमेडीज में हमने देखा है। इसके अंदर है एलोवेरा, जिसमें आपको इतने सारे विटामिन्स मिलते हैं, जो आपकी स्किन को एकदम प्लम्पर बना देता है। हम सभी ने इसको ट्राई कर रखा है और हम जानते हैं कि एलोवेरा जेल आपके लिए क्या करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज बीट रूट, जी हाँ जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और अंदर से वो ग्लो आपकी स्किन पर आता है। तो अब बताइए कि इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स हम इंडिविजुअली तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आपको सैशे फॉर्म में मिल जाता है, इस तरह की बहुत इजी पैकेजिंग में आता है, 2 months 1 sachet पर ग्लास, और आप देखेंगे ये इस तरह से आता है, पूरी की पूरी पैकेजिंग में आपको साइड में दिखा रही होंगी। आपको बस एक ग्लास में इसको डालना है, मिक्स करना है और खाने के पश्चात, जी हाँ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, जो खाने के बाद ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे, खाली पेट आप उसको नहीं लेंगे। अच्छे से मिक्स करके एंजॉय कीजिए इसके अमेजिंग इम्प्रूव्ड टेस्ट को, एंड आप देखेंगे कि आपकी स्किन को जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी स्किन के लिए, वो बेटर ऑफ हो रही है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और बाहर से तो अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी अच्छी रेमेडीज हम कर ही रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो सारे के सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाइए इसको ट्राई कीजिए एंड हैव द बेस्ट ऑफ स्किन रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। लेट्स जंप इनटू हमारा आज का मैजिकल फेशियल। इसके लिए स्टेप नंबर 1, आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है। अगर आप फेस वॉश रिसेंटली आधे घंटे में नहीं किया है तो फेस वॉश कर लीजिए, अगर किया हुआ है आधे घंटे में तो लेट इट बी, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने रिसेंटली फेस वॉश किया था इसलिए मैं फेस वॉश करके नहीं दिखा रही हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू माय स्किन। इसके बाद आता है हमारा सबसे पहला स्टेप, जिसके लिए हम डबल क्लेंजिंग करने वाले हैं, लेकिन ये क्लेंजिंग कोई ऐसी वैसी क्लेंजिंग नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए स्टेप 1 से रेमेडी होने वाला है। इसके लिए आपको एक बोल लेना है, इसमें गर्म पानी लेना है और एक कांच का बोल ले लेना है या कोई भी स्टील का बर्तन ले लेना है, प्लास्टिक का नहीं, ओके। और इसमें आपको लेने हैं 2 ingredients। सबसे पहला आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, जी हाँ अरंडी का तेल, और दूसरा आपको लेना है रोज हिप ऑयल, हमारे पास तो है ही नहीं, तो आपके पास जो फेस ऑयल अवेलेबल है ना आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या जो भी फेस ऑयल आप यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। डन, अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, मिक्स होने दीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है
तो थोड़ा सा तरल हो जाए, वर्केबल हो जाए, इसके बाद आपको इसे अपने हाथों में लेना है। जैसे आप हाथों को रब करेंगे ना, प्लीज़ वापस आके बताना क्या हुआ, हाथों में इतनी ज़ोर से यू नो गर्मी आ जाती है, क्योंकि कैस्टर ऑयल इमीडिएट कॉन्टैक्ट में आते ही काम करना शुरू कर देता है। नहीं है ना विश्वास, ट्राई करके देखो फिर पता चलेगा, ठीक है। अच्छे से रब करके जस्ट पुट इट ऑन योर फेस एवरीवेयर, लाइक गले को भी आप नहीं छोड़ सकते, अच्छे से लगा के। एंड जैसे आप लगाएंगे ना, आपको फेस पे भी गर्माहट फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कैस्टर ऑयल इतना पोटेंट होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप मानते ही नहीं हो। कैस्टर ऑयल आपकी स्किन से जो ऑयल निकलता है ना, जिसको सीबम बोलते हैं, उसको रिजेंबल करता है। तो जैसे ही आप रब करते हो ना, डोंट गेट स्केयर, अगर स्किन थोड़ी सी रेड हो जाए, हो जाती है रेडिश, आप मेरी भी देख रहे होंगे, हल्की सी रेडिश हो जाती है, अच्छे से मसाज कीजिए, जस्ट डोंट वरी। मैंने कहा ना, जब मैं बोल रही हूँ आपको, तो आपको विश्वास करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो तो पढ़ लो इसके बारे में, फिर ट्राई करना, है ना। स्केप्टिकल होकर नहीं ट्राई करना, बट बिलीव मी, इफ़ यू कैन बिलीव, दिस इज मैजिक। जस्ट अच्छे से मसाज कीजिए एवरी पोर्शन, आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, आपकी स्किन पे कोई भी परेशानी है, अंदरूनी पिंपल हो जाते हैं दर्द वाले, सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छे से रब कीजिए। रोजहिप ऑयल को आपको पता है रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल तो केमिकल है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है 3 महीने पहले कि नहीं लगाना है। जी हाँ, और इसको आप लगा सकते हैं, तो दिस इज़ दैट मैजिक। तो अच्छे से मिला के अपने स्किन पर अच्छे से यू नो मसाज कर लीजिए कि पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ आ जाए। और इसके बाद आपको लेना है हॉट टॉल, यानी कि तौलिया, जिसको आपने गर्म पानी में डुबाया हो, अच्छे से निचोड़ के जस्ट प्रेस इट ऑन योर फेस, और इसी समय आप मैजिक देखना शुरू कर देंगे। कैसे दिखेगा मैजिक? देखिए, आप जैसे जैसे टाल से अपने चेहरे को क्लीन करते जाएंगे ना, आपको दिखेगा आपकी स्किन वहाँ पर प्लम्पर हो रही है, बेटर ऑफ हो रही है, इतना हाइड्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब स्किन पे ऑयल आया था तो क्या होता है, वो जगह थोड़ी सी यू नो हाइड्रेटेड हो जाती है ना, ऐसा रफनेस तो नहीं रहती, फ्लेकीनेस तो नहीं रहती, बस वही आपकी पूरी स्किन के साथ हुआ है। आपके पूरे जो आपके रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए थे, वो सब सेटल होते हुए आपको खुद स्वयं साक्षात दिखेंगे। डन। इसके बाद अब क्योंकि ऑयल है, वी आर नॉट कंफर्टेबल, कहीं रह ना गया हो, अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, जिसके लिए आपको चाहिए एक बोल में अप्रॉक्सीमेटली आधा चम्मच बेसन। जी हाँ, ग्राम फ्लावर, जो कि यूनिवर्सल क्लेंजर है, इसको आप मतलब साबुन, फेस वॉश, सब कुछ त्याग सकते हो, ये सारे काम कंप्लीट कर सकता है। इसमें आपको लेना है कच्चा दूध, मम्मी ने तो उबाल दिया, कोई बात नहीं, आप उबला हुआ दूध ही ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मिक्स कीजिए अच्छे से, एंड देन हमें कुछ नहीं करना, हमें फेस पैक नहीं लगाना, जस्ट जेंटली आप थोड़ा सा तरल बनाइए इसको, और अपनी स्किन पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में कीजिए। सर्कुलर क्यों बोलते हैं ऑल द टाइम? अच्छा, कभी ऑरेंज पे कोई चीज़ आप यू नो उसकी स्किन ऐसी होती है ना पोर्स वाली, कुछ फंसा के देखना, आप स्ट्रेट स्ट्रेट धोगे कुछ नहीं होगा, जैसे आप सर्कुलर मोशन में करोगे वो सारे के सारे जो गंदगी डेबरी होती है वो बाहर आ जाती है। इसीलिए कहते हैं सर्कुलर मोशन में करते हुए आप सारे ऑयल, गंक, एवरीथिंग आप बाहर निकाल रहे हो। एंड इसके बाद जब आपको लगे कि आपने अच्छे से हर पोर्शन को वाइप ऑफ कर दिया है, आप टाल लेंगे और अच्छे से क्लीन कर देंगे। इसके बाद ही आपको दिखेगा कि भाई ऑयल ने अपना काम कर दिया, प्लम्पनेस दे दिया, और उसके बाद हमने बेसन का इस्तेमाल करके ऑयल को भी हटा दिया, तो हमारी स्किन कम्प्लीटली क्लीन, वाइब्रेंट और प्लम्पर हो जाएगी। इसके बाद ही आपको लगेगा कि बस इतना ही चाहिए था, थैंक यू सो मच। लेकिन मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, यू आर गोइंग टू अचीव दैट शाइनी स्किन फॉर योरसेल्फ। इसके बाद फॉर स्टेप नंबर 3 आपको चाहिए एक गर्मा गर्म माइक्रोफाइबर टॉवल, जिसको आप गर्म पानी में डिप करेंगे ऑब्वियसली, और आप इसको अपने जहां पर भी आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की परेशानी है, या किसी भी तरह का डिपोजिशन हो जाता है, प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वाटर जाते हैं यहाँ वहाँ, उन एरियाज में आपको प्रेशर अप्लाई करना है। देखिए, कैस्टर ऑयल आपने अच्छे से मसाज किया था, तो आपके जो पोर्स है ना वो आराम से ढीले हो चुके हैं, उनके अंदर की गंदगी को इतना थोड़ा सा प्रेशर चाहिए और वो बाहर आ जाएंगे। तो बस आप वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हुए माइक्रोफाइबर टॉल से चीज़ों को एकदम क्लीन कर देंगे, एकदम बाहर आ जाएगा सारा का सारा गंक, एंड यू विल बी रियली हैप्पी। प्रेरणा दी, आपको नहीं पता हमारे ब्लैक हेड्स कितने जिद्दी हैं, वो इतने प्रेशर से बाहर नहीं आएंगे। तो ठीक है, हम आपके लिए अगले स्टेप में एक छोटी सी रेमेडी और कर देंगे, तो जो जिद्दी वाले ब्लैक हेड्स हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए पपाया। एक पूरी वीडियो में आपके साथ पपाया की शेयर कर सकती हूँ कि क्या मैजिक ये कर सकता है, और यहाँ पे तो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ हो रहा है, तो सोचिए क्या होगा। कट कर लीजिए, एक ब्लेंडिंग जार में ले लीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, इसके जो पील होता है ना उसको भी हटा देते हैं,
अगर साफ सुथरा पील है, मतलब उसमें कोई रेफाइड वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप इसको भी कट कर लीजिए पपाया के साथ। इसके भी गजब के बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए। अच्छे से कट कीजिए, प्यूरी बना लीजिए, और इसी प्यूरी में आपको लेना है अ लिटिल बिट ऑफ हनी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, ट्राई करके ही पता चलती है। आप एक बार बिना हनी के डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और इसमें आपको लेना है बहुत थोड़ा सा राइस फ्लावर। देखिए मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत स्टबन हैं तो आप राइस फ्लावर का क्वांटिटी यहाँ काफ़ी बढ़ा दीजिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा चम्मच लिया है, आप एक बड़ा चम्मच ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको लेके आप अपनी स्किन पर जेंटली जेंटली मसाज करते हुए एवरी पॉसिबल। देखो पपाया अच्छा सा विटामिन सी कॉन्टेंट स्किन को आप दे रहे हो, और जो राइस फ्लावर है वो आपकी स्किन से एक तो वाइटन कर रहा है, आपकी स्किन को ब्राइटन कर रहा है, और जितने भी गंक है उनको बाहर लेकर आ रहा है। कोई चांस नहीं है कि आज कुछ भी हमारी स्किन पर रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छे से मसाज कर लेने के बाद कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ने अपना काम कर दिया है, आप अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को अच्छे से वाइप क्लीन कर लेंगे। टू माई अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल ऑडियंस, मैं हमेशा आपसे कहना चाहती हूँ कि खुद को ब्यूटिफाई करने के चक्कर में हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज़ पानी का सदुपयोग कीजिएगा। इस पूरे फेशियल में मैंने 2 बार पानी स्प्लैश अपने मुंह पर किया, बाकी मैंने सिर्फ टाल लेके और अपने चेहरे को अच्छे से वाइप किया। सिर्फ एक टाल को अच्छे से आप क्लीन कर लेते ना, और मेरी वो प्यारी सी ऑडियंस जिनकी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है, जो कहते हैं कि इस तौलिए को धोने में अब 10 बाल्टी पानी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाफ मग पानी में आप इसको थोड़ा सा नितारेंगे तो वो आसानी से पूरा क्लीन हो जाता है और दोबारा यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा, ओके? आपको पानी बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। तो अच्छे से वाइप क्लीन करके एक स्प्लैश करेंगे, आपका चेहरा हो जाएगा चमकदार, फिर आपको लगेगा कि भाई वाह, शायद यहाँ रुक जाना चाहिए, इट इज़ डन। लेकिन अभी तो मैजिक बाकी है। इसके बाद आपको आपका लास्ट स्टेप करना है, विच इज़ अ फेस मास्क। और ये ना, मतलब अगर आपकी स्किन अभी आपको फील हो रहा है कि भाई 80% सही हो गया, तो शायद ही 180 कर देगा, समझ में आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, लीप ले लेगा आपकी स्किन, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको एक बोल में लेना है ओट्स पाउडर। हमारे पास ओट्स पाउडर नहीं है, आप पोहे को ग्राइंड करके पोहे का पाउडर ले सकते हो, लेकिन ओट्स इज एवरीथिंग। तो कोशिश करो कि अगर आप उसको ला सको, अरे कोई पड़ोस वाली आंटी यूज़ करती होंगी ना ओट्स, बोलना इतना सा दे दो एक चम्मच, बस ग्राइंड करके इतना पाउडर चाहिए, और चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसमें आपको लेना है 1/3 चम्मच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक, जिसको हम अम्बा हल्दी भी कहते हैं, जिसको हम कस्तूरी हल्दी कहते हैं। किचन हल्दी मत ले लेना इतनी सारी, पूरा मुँह येल्लो हो जाएगा फिर। हाँ, फिर सब बोलेंगे फेस्टिविटीज़ में ये क्या हुआ। तो सोच समझ के किचन हल्दी ले रहे हो तो बिल्कुल ऐसे उठा के पिंच, बस। अम्बा हल्दी ले रहे हो, वाइट टर्मरिक ले रहे हो, 1/3 चम्मच जो करने वाला है मैजिक, आप देखोगे। और इसके बाद आपको इसमें लेना है रोज़ वाटर, अच्छे से मिला लीजिए। देखिए थोड़ा सा जैसा कंसिस्टेंसी दिख रही है इतनी अचीव कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी फूलता है तो थोड़ा थिक हो जाएगा ये। जब ये रेडी हो जाए आप इसको लीजिए चम्मच से और अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लीजिए। आप देख लीजिए क्या मैजिकली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे पर। ये बहुत चिपकू होता है, चेपू चंद है ओट्स, सच्ची बता रही हूँ, आप लगा के देखना, मतलब निकलता ही नहीं है। लेकिन ये इसलिए नहीं निकलता क्योंकि इतने प्रेम से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा होता है ना, कि आप खुद भी निकालना नहीं चाहोगे। लेकिन हमें इसे सुखाना नहीं है, मेरा थोड़ा सा सूख गया था आसपास से, अप्रॉक्सीमेटली 5-10-15 मिनट्स जितना आपके पास है आप रख सकते हो, सुखाना नहीं है। अगर सूखने लग गया तो हम हटा देंगे जल्दी से, और आप इसको हटाना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे आपको लगेगा कितना चिपचिप है ये, लेकिन जो स्किन आपको अंदर दिख रही होगी ना, आप बोलोगे कमाल हो गया भाई साहब, भाग के जाना है प्रेरणा की वीडियो पे और लिखना है प्रेरणा दिस इज इट। मैं इतना खुश हूँ ना कि आप लोग वापस आके क्या क्या लिखने वाले हो, मैं तो वेट करने वाली हूँ। जब आप हटाओगे ना मास्क को, यू बी रियली हैप्पी। ओट्स बहुत चिपकू होता है तो बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से स्पून से या किसी भी चीज़ से हटा के, स्पैचुला से। उसके बाद आप हॉट टॉवल से हटा लीजिएगा, मैं वो शूट करना ही भूल गई अपनी, यू नो, खुशी में अपने रिजल्ट्स के। तो आप अच्छे से हॉट टॉवल से हटा के और उसके बाद स्प्लैश करेंगे और मैजिक इज ऑल योर्स। एक साइड इफेक्ट इस पूरी रेमेडी का मेरे लिए ये रहा कि मैंने वाइट टी शर्ट पहना था और उसमें हल्दी लग गई, आई डोंट नो वो हटेगी या नहीं। अगर आपको कोई तरीका पता है हल्दी हटाने का कपड़े से तो प्लीज़ मुझे नीचे बताइएगा। मेरी फेवरेट टी शर्ट एंड इट्स गॉन। तो थोड़ा डार्क कपड़ा पहन लीजिएगा या फिर कवर कर लीजिएगा, ओके? इसके बाद आपको अपने चेहरे पर टोनिंग करनी है। तो भाई इतने अच्छे इंग्रेडिएंट लगाएं तो बाहर का टोनर यूज़ ना ही करें, रोज़ वाटर यूज़ कर लीजिए, ठीक है? रोज़ वाटर लगा के यू विल बी रियली हैप्पी, ऑब्वियसली मैं तो अभी भी बहुत हैप्पी हूँ। और उसके बाद आपको सिर्फ एलोवेरा जेल लगाना है,
हमें मॉइस्चराइजर अच्छा लगता है, लगा सकते हो, लेकिन आई वुड से कुछ भी मत लगाओ मार्केट का, बस एलोवेरा जेल अच्छे से थोड़ा थोड़ा लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। आपकी स्किन जो होने वाली है ना, टू ऑल द डर्मेटोलॉजिस्ट, टू ऑल द पीपल जो इस यू नो ब्यूटी वाले फील्ड में है, ब्यूटिशियंस एंड ऑल, गिव इट अ ट्राई प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गिव इट अ ट्राई। और अगर रिजल्ट्स मिले, जो कि डेफिनेटली मिलने वाले हैं, वापस आके हमें अवश्य बताइए। एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, नॉट इवन आईब्रोज, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं लगाया। सनस्क्रीन लगाना चाहिए, पर मैं वो भी आज स्किप करने वाली हूँ। मैं आज पूरा दिन फेस वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश, जब भी ज़्यादा ऑयल आएगा, जो आएगा, ठीक है, दैट्स नॉर्मल। कल भी मैं सिर्फ प्लेन वाटर एंड माइक्रोफाइबर टॉवल से क्लीन करती रहूँगी। परसों आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विद द फेस वॉश, और तब आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है, कितना कमाल का है। सूट योर सेल्फ, आप जो रेमेडीज़ की चीज़ें यूज़ हुई हैं उनका रेशो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप चाहें किसी चीज़ को नहीं आपको पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, and the results would surely be yours. So my wonderful people, like every single time, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो do give it a thumbs up. चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख ही चुके हैं क्या क्या मैजिक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ टाइमली आ जाया कीजिए, ओके? आई नो यू ऑल आर बिजी, पर जब भी टाइम मिले वापस आ जाया कीजिए, ओके? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी फेस्टिविटीज़ एवरीबडी।